नमस्कार भैया, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल और मौका है नो टोबैको डे का। सो यस, अब मेरे साथ डॉक्टर प्रिया तिवारी हैं। डॉक्टर प्रिया सीनियर कंसल्टेंट है मेडिकल ऑन्कोलॉजी की। डॉक्टर प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका। सबसे पहले आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, तंबाकू के जो असर है वो शरीर में 15 से 20 साल में दिखता है मेजरली जब आदमी डॉक्टर्स के पास पहुंचता है, लेकिन उससे पहले तंबाकू के क्या क्या और इल इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, लोगों को तो केवल कैंसर के बारे में जानकारी है, लेकिन तंबाकू आपके शरीर के हर हिस्से पे खराब असर डालता है। यंग एज में ही लोग तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं। भारत में तो जो तंबाकू चबाते हैं वो यंग एज में ही स्टार्ट हो जाता है, 10 साल की उम्र, 12 साल की उम्र, और उसकी वजह से ये देखा गया है कि यंग उम्र में, यंग एज में ही झुर्रियां आने शुरू हो जाती हैं, 17 साल 18 साल की उम्र में, और जैसे मसल टोन खराब हो जाती है, हड्डियों पर खराब असर पड़ता है। कैंसर के अलावा बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, इनफर्टिलिटी यानी बाँझपन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा हार्ट अटैक, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं ना कि यंग उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण तंबाकू भी है। हार्ट अटैक के अलावा लकवे की शिकायत, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम उम्र में ही दिख रही हैं। फिर आजकल तो कोविड एपिडेमिक पेंडेमिक हम देख ही रहे हैं, तो जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, स्मोक करते हैं, उनमें जो कोविड की वजह से जो डेथ रेट है वो भी ज्यादा है। तो हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बढ़ती उम्र में ज्यादा देखी जाती हैं, लेकिन जो खराब इफेक्ट हैं वो यंग एज में ही शुरू हो जाते हैं, और जो प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में होती हैं वो सारी की सारी अब हमें यंग एज में दिख रही हैं, क्योंकि तंबाकू का सेवन बढ़ गया है। एक आपसे डॉक्टर प्रिया और एक यक्ष प्रश्न लेना चाहूंगा कि हाउ टू क्विट स्मोकिंग। जी, यक्ष प्रश्न तो है, विल पावर सबसे जरूरी चीज है। अगर आपको छोड़ना है तो आपको छोड़ना है। देखिए, आजकल ये मेंटेलिटी हो गई है कि स्मोक करना तो बहुत कूल है, यार तुम स्मोक नहीं करते तो आप हमारे सर्कल में सर्वाइव कैसे करोगे। तो सबसे बड़ी बात तो हमें ना ये जो माइंडसेट है ना वो चेंज करना है कि स्मोकिंग इज नॉट कूल। सबसे जरूरी चीज ये है, आजकल इंडिया में लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ गया है, तो लोग एक्सरसाइज या जिम पे पैसे नहीं खर्च करते, सबसे पहले स्मोकिंग पे खर्च करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये शायद स्ट्रेस बस्टर है। स्मोकिंग या तंबाकू की वजह से बॉडी का स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस घटता नहीं है, उनको लगता है स्मोकिंग बहुत रिलैक्सिंग है। तो हमें ये माइंडसेट भी चेंज करना है कि एक तो ये कि हाँ स्मोकिंग कूल नहीं है, दूसरा ये कि हाँ तंबाकू की वजह से बॉडी का स्ट्रेस बढ़ता है, घटता नहीं है। तीसरी चीज ये है कि अब मेडिकल हेल्प उपलब्ध है। अगर आपको लगता है कि आप तंबाकू का सेवन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप जाके, अब बहुत सारे ट्रेंड लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट से लेके डॉक्टर्स तक, और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ऐसी क्लिनिक्स रन करती हैं, वहां पे वो आपको मेडिकली हेल्प करेंगी। निकोटीन पैचेस, निकोटीन गम्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसके सेवन से आपका जो एडिक्शन एबिलिटी है वो कम हो जाता है। तो इन सारी चीजों का आप माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, और बिलीव मी, इन सब चीजों की वजह से बहुत सारे लोग स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। और मेरे साथ हैं जगत पाल सिंह जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन गुरुग्राम के। जगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। जगत जी, जो धूम्रपान है ये इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा, सब लोग एम्प्लॉइज, हर वर्ग के लोग काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसकी पूरी इंडस्ट्री में बींग एन गवर्निंग बॉडी या बींग एन एसोसिएशन जो सबको देख रही है, किस तरह से लोगों को समझाना चाहिए? देखिए, समझाने से पहले सबसे पहले हमें इसके इफेक्ट्स को जानना जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इंडस्ट्री में ना ये देखते हैं कि वर्कर लोग ज़्यादा इस चीज़ में उलझ जाते हैं। धूम्रपान में अगर हम बात करें, अगर सिर्फ टोबैको की बात कर लें तो उसमें वर्कर जल्दी उलझ जाते हैं, और शायद किस वजह से उलझते हैं, उनकी मानसिक स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उसको रिलीज करने के लिए इसको शुरू करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपना परिवार खराब कर लेते हैं, किसी को कैंसर हो जाता है या कोई बाद में इलाज के लिए धक्के खा रहा है। तो हमने अपनी एसोसिएशन के थ्रू कई बार ऐसा प्रयास किया, इस तरह के कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, जैसा कि आज भी एक प्रोग्राम है, तो काफ़ी कोशिश की कि उनको, क्योंकि अवेयरनेस ही एक तरीका है, इसमें ज़बरदस्ती से नहीं रोका जा सकता, तो हमने अवेयरनेस के थ्रू काफ़ी कोशिश की है, और चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहें, लगातार इंडस्ट्री में होते रहें, ताकि लोगों को ये पता लगे कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं और परिवार खराब ना हो। आपकी जो ये एसोसिएशन है, ये मतलब कितनी इंडस्ट्रीज और कितने वर्कर्स को करीब करीब बॉडी होगी? देखिए, हमारा ये जो एसोसिएशन है इस एरिया में लगभग 800 से 900 इंडस्ट्री रन कर रही है, और लगभग
सवा लाख डेढ़ लाख के आसपास वर्कर्स हैं, तो अभी सब तक तो हमारी पहुंच नहीं हो पाई है सब वर्कर्स तक, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम किसी तरीके से कोई ऐसा चैनल हमें मिल जाए कोई कि हर एक एक वर्कर तक हम इसके साइड इफेक्ट्स को पहुंचाएं और उनको ये समझाएं कि इसकी 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 क्या नेगेटिव्स हैं और इसको क्यों छोड़ना जरूरी है। सुवेयर साहब मेरे साथ कबीर बंसल जी हैं, कबीर जी फाउंडर हैं टोबैको एक संस्था है उसके। कबीर जी मैं जानना चाहूंगा कि टोबैको क्या करती है और किस तरह के लोगों के लिए काम कर रही है। बेसिकली टोबैको एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली यूथ में अवेयरनेस का काम करती है। बिकॉज क्या है कि बचपन से हमने देखा गया कि बच्चों को, छोटे बच्चों को बताया जाता है कि यार गुड टच और बैड टच क्या होता है, राइट है। देन मेरे ख्याल से जो हमें लगता है स्कूल लेवल पे जो यंग जो यूथ है उसको मेरे ख्याल से हमें बताना चाहिए कि यार इसके बारे में कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं। इनफैक्ट क्योंकि जब हम बताते नहीं तो उनको पता नहीं चलता है, जब तक हम लोग बताएंगे नहीं। और मेरे ख्याल से जो जो यंग पीढ़ी है ऑलरेडी, जो नई पीढ़ी है, उनको उनके पास स्कूल लेवल से ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इसको सिगरेट पीने के बाद क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या इसका सोसाइटी पे, आपकी लाइफ पे, आपकी हेल्थ पे, इन चीज़ों पे क्या क्या असर पड़ता है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। और जो मुझे लगता है कि शायद इसको भी एक एजुकेशन का एक पार्ट होना चाहिए, जो अभी तक मुझे लगता है। बिकॉज क्या है कि इतना पता थोड़ा बहुत तो देखो सभी को जानकारी है इसके बारे में, बट क्या होता है कि पूरी तरह से जब तक जानकारी होने के बाद भी फिर भी जो है बच्चे करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार उनको पूरी तरह से एक इस तरह का एक कम से कम एक्टिविटी स्कूल में होनी चाहिए जो बच्चों को इमीडिएटली टाइम टू टाइम उनको बताया जाए इसके बारे में। अब मेरे साथ राकेश वोरा जी हैं जो कि चेयरमैन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन के। राकेश जी आने वाले समय में आप किस तरह की और इनिशिएटिव लेने वाले हैं रिगार्डिंग रोकने के लिए, इस सब के लिए जो टोबैको के यूज है एम्प्लॉइज को? एवरीबॉडी नोज द यूसेज ऑफ टोबैको इज वेरी हार्मफुल फॉर द क्लास एज ए होल। सो in the last in the COVID period we have seen that this problem can be eradicated if two-edged strategy is adopted. One is awareness, we have to spread awareness, maximum awareness. Maybe hum dekh rahe hain there is a very little expenditure is being done by all institution to eradicate this problem on the awareness. And second, strict enforcement. You see, we have seen in our industry that most of the laborers stopped using tobacco because two things were enforced very strictly, mask and non-spitting. And when these two things were implemented strictly, there was an immense, immense curtail of usage of tobacco. And this is our experience for the last 2-3 years. In most of the units, laborers start non-using tobacco because there was a strict implementation of mask and second non-spitting. As and when anybody ever our manager see any worker spitting, he was penalized. Now that's the reason we have seen the reduction usage of tobacco. So I have felt and I feel now that this two-pronged strategy have to be adopted. One, awareness. People were made aware that if you will not use mask, if you will spit, other people will get harmed. So similarly, we have to use this strategy to eradicate this problem of tobacco from our society.